हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अयंगर रवा के। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए हम लेंगे एक कप रवा, पौना कप शक्कर, आधा कप दही, आधा कप दूध, 1/4 कप तेल, वैनिला एसेंस, नमक और एक पाउच इनो पाउडर। तो एक कप रवा मैंने मिक्सी पॉट में डालकर इसे मिक्सर में ग्राइंड करके लेना है। बारीक या जाड़ा कौन सा भी रवा ले सकते हो। तो इस तरह की पाउडर मिलेगी। अब पौना कप शक्कर भी ग्राइंड करके लेनी है। बड़े बाउल में 1/4 कप यानी 1/4 कप तेल डालना है। उसमें बारीक की हुई शक्कर की पाउडर डालनी है, एक छोटा चम्मच एसेंस डालना है और पिंच ऑफ नमक डालकर उसमें आधा कप दही मिलाना है और इसे फेंटना है। दही, शक्कर और तेल सारी चीज़ें जब तक एक साथ मिल न जाए, घुल मिल न जाए, तब तक इसे फेंटना है। अच्छे से फेंटने के बाद इसमें बारीक किया हुआ रवा डालना है। इसे भी उसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हिलाते समय पता चलेगा ये थोड़ा गाढ़ा बन चुका है, तो इसमें हम आधा कप दूध, लेकिन धीरे धीरे मिलाना है, एकदम से नहीं मिलाना है। इसे मिक्स करते करते धीरे धीरे जितना चाहिए उतना मिलाना है। तो तकरीबन आधा कप दूध लगेगा और इस तरह से कंसिस्टेंसी होगी। अब इस मिश्रण को हमें ढककर 1.5 से 2 घंटे तक साइड में रखना है। 2 घंटे बाद मैंने एक एल्युमिनियम का पैन लिया है और उसमें घी लगा कर लिया है। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हो। अब इसमें बटर पेपर डालकर उसके ऊपर भी थोड़ा घी लगाना है। 1.5 घंटे बाद इस मिश्रण में इनो पाउडर मिलाना है। तो मैंने पूरा एक पाउच इनो पाउडर डाला है। इनो पाउडर डालने के बाद इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा इनो पाउडर इस मिश्रण में अच्छे से घुल जाए। तो देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा फूल जाता है। अब इसको केक पैन में डालना है। आप चाहे तो इस पर टूटी फ्रूटी अलग अलग कलर की डाल सकते हो। मैंने यहाँ लाल कलर की डाली है। अगर नहीं डाला तो भी चलेगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 10 मिनट पहले ही गैस पर मैंने एक बर्तन रखा था, उसमें जाली रखकर प्री हीट करके लिया था। अब इसमें एक केक टिन रखकर ढक्कन लगाकर इसे 30 से 40 मिनट तक बेक करने के लिए रखना है। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पर रखना है। 20-25 मिनट बाद एक बार चेक करना है और उसके बाद मैंने 30 मिनट बाद देखा तो केक बनकर तैयार है। पहले से मैंने प्री हीट करके लिया था, इसलिए 30 मिनट में बन गया। अब इसे साइड में ठंडा होने के लिए रखना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे उल्टा करना है और उसके ऊपर टैप करना है और इस तरह से आसानी से फिर निकल जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से केक बेक हो चुका है और एक गैस पर बना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है और सॉफ्ट भी बन चुका है। अब इसे कट करके देखते हैं। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं प्लेटिंग करने जा रही हूँ। इसे जिस तरह का शेप चाहिए उस शेप में कट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ये बिल्कुल टेस्टी और स्वादिष्ट बना है। तो इस तरह तैयार है अयंगर रवा केक। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।